हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना लगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्वायरिश हैंड है बिल्कुल। अगर यहाँ से मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ तो आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप में हैंड दिखाई देगा, बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। काफ़ी मेहनती नेचर यहाँ पर इनकी शो हो रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ चेक करने वाली है यहाँ पर पॉइंटेड फिंगर्स, पॉइंटेड और थोड़ी सी लंबी फिंगर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं आगे से फिंगर्स थोड़ी सी पतली होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो शो करती हैं कि काफ़ी एनालिटिक नेचर रहेगी इनकी, एनालिसिस करना इनको काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ी सी क्रिटिक नेचर भी कही जा सकती है यहाँ पर। तो चलिए फिंगर्स को थोड़ा सा क्लोजअप लेकर चेक करते हैं और क्या क्या हमें पता चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति फिंगर है, जुपिटर फिंगर है, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कंपेयर करके। तो यहाँ देखें आप लाइन जो है, फैलेंजेस है बिल्कुल इक्वल, यानी कि जो साइज़ यहाँ पर मध्यमा उंगली का है उतना ही लगभग साइज़ यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर का बन रहा है, जो काफ़ी एक तरह से शो कर रहा है कि काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। साथ ही साथ थोड़ी सी ईगो रहने के चांसेस भी हैं यहाँ पे। उसके बाद चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनकी फिंगर जो है अपोलो की, थोड़ी सी शॉर्ट, यहाँ से आप फैलेंट से ही नाप सकते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है। अदरवाइज लेंथ अच्छी है लेकिन बृहस्पति से थोड़ी सी शॉर्ट हो रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं जिनको हम आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ कहते हैं। थोड़ा सा झुकाव है यहाँ से इस फिंगर का बृहस्पति की तरफ, सॉरी सैटर्न की तरफ, तो यहाँ से भी थोड़ा सा झुकाव सैटर्न की तरफ हो रहा है, तो थोड़ी सी वैराग्य जैसी भावना भी इनके अंदर रह सकती है। और मरकरी की यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, मरकरी की फिंगर मुझे शॉर्ट दिखाई दे रही है साइज़ में। इस फैलेंज तक जिनकी फिंगर पहुँच जाती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कैलकुलेटिव होते हैं, एनालिटिक तो ये हैं ही, अगर यह फिंगर भी यहाँ तक पहुँच जाती तो बहुत ज़्यादा एनालिटिक हो जाते। तो यहाँ पर ये एवरेज है, अच्छा है इनके लिए। थोड़ी सी कैलकुलेशंस कम करेंगे, हर चीज़ में कैलकुलेशंस नहीं लगाएंगे, अदरवाइज जो थोड़ी सी शाइनेस भी रह सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रह सकते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही क्योंकि माउंट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। माउंट्स यहाँ पर इनके लगभग हाई सेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए माउंट्स को ही देखते हैं माउंट्स कैसे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो फिंगर्स की सेटिंग हमारे सामने आएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो लाइन है वह लगभग सीधी ही ड्रॉ हो रही है, कोई भी झुकाव नहीं है लाइन ड्रॉ करने पर। तो यहाँ पर कोई भी नीचे की तरफ लाइन चलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। काफ़ी अच्छी स्पेस मरकरी को मिल पा रही है, तो काफ़ी स्ट्रांग माइंड मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, काफ़ी शार्प माइंड रहेगा। और चलिए वन बाई वन एक एक माउंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति को ही देख लेते हैं। बृहस्पति माउंट के ऊपर यहाँ पर सिंपथी की लाइन नज़र आ रही है और यहाँ से कुछ लाइंस चलती हुई दिखाई दे रही हैं ऊपर की तरफ जिनको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं। तो प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ में रहने वाली है। यव का चिन्ह यहाँ पर काफ़ी क्लियर मुझे नज़र आ रहा है इस अंगूठे के ऊपर, जो बृहस्पति माउंट जैसी ही कुछ फल देता है, ऐसे जैसे बृहस्पति के फल हैं, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ, धन, और क्या कहते हैं जिसको हम एक अच्छी रिलीजियस नेचर कह सकते हैं, वो भी व्यक्ति की रहती है। तो सिंपथेटिक पर्सनैलिटी तो है ही इनकी, क्योंकि पार्शियल गुरु वल्ल्या जैसी फॉर्मेशन भी हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर सैटर्न को, यानी कि शनि माउंट को। शनि माउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा एवरेज दिखाई दे रहा है, शनि की रेखा नीचे से चलती आ रही है, लेकिन माउंट के ऊपर काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं लाइनों की, तो थोड़ा सा यहाँ पर यह कम फल देने वाला सैटर्न माउंट बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सूर्य का माउंट चेक करते हैं यहाँ पर। सूर्य का माउंट
काफ़ी हाई सेट है और काफ़ी अच्छी स्पेस है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन भी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ हर्डल लाइंस हैं लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाली। तो यहाँ पर सूर्य का माउंट भी एक तरह से अच्छी प्रोग्रेस देने वाला मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं इनकी जो माउंट है मरकरी का, मरकरी माउंट पे नीचे से एक बारीक लाइन चलती हुई यहाँ तक आती हुई दिखाई दे रही है, जो इनके अंदर बिजनेस करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो अगर फ्यूचर में कभी चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब ज़्यादा बेनिफिशियल, के जॉब की लाइन जो है वो ज़्यादा लंबी है, तो जॉब तो इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली ही है। तो चलिए माउंट्स के बाद चेक करते हैं लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग नज़र आ रही है मुझे हार्ट की लाइन में, हार्ट की लाइन कुछ यहाँ से चलती हुई और यहाँ से थोड़ी सी ब्रेक के साथ ओवरलैप होकर चलती हुई। तो थोड़ा झुकाव माइंड की लाइन की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़े इमोशंस कम हो जाते हैं। जिस तरह से सिमियन लाइन सीधा चलती है, कुछ उस तरह से हाफ पोर्शन है जो लाइन का सीधा सिमियन लाइन की तरह चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वर्क एल्कोहलिक जैसी पर्सनैलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सिमियन लाइन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बनावट कुछ उस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। और मैच अगर यह लाइन जुड़ जाती इसके साथ तो वह सिमियन लाइन की उसकी कैटेगरी में आ जाती, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा प्रभाव वर्क एल्कोहलिक जैसा रह सकता है। ओवरऑल मिडल एज में चल के हार्ट की प्रॉब्लम रहने के चांसेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप पड़ता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे क्योंकि जो लाइन है वह बिल्कुल ऊपर तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल पर्सनैलिटी। और सूर्य माउंट के ऊपर मुझे यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह भी एक दिखाई दे रहा है, कुछ इस साइज़ का त्रिकोण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। एग्जॉल्टेड सन जिसको हम कह सकते हैं, सूर्य यहाँ इसकी वजह से उच्च का हो जाता है, तो अच्छे फल देता है, लेकिन साथ साथ ईगो भी देता है। इस तरह का अगर त्रिकोण जैसा चिन्ह हो और काफ़ी लंबी बृहस्पति की फिंगर हो और बृहस्पति माउंट अच्छा हो, तो कुछ हद तक थोड़ी सी ईगो रहने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग है जो मिडल एज में चलकर लगभग 45 से 50 के आसपास की एज में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकती है हार्ट से रिलेटेड भी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चेक करते हैं माइंड की लाइन को। माइंड की लाइन यहाँ पर किस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से माइंड की लाइन काफ़ी सीधी और शार्प माइंड की लाइन है। शुरू वाला एरिया थोड़ा सा वीक हो रहा है, जो स्ट्रगल को शो कर रहा है, लेकिन आगे की माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रेट है, ज़्यादा इमेजिनेशंस नहीं रहेंगी। एक स्ट्रिक्ट माइंड यहाँ हम कह सकते हैं, काफ़ी शार्प माइंड भी रहेगा, स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा। तो यहाँ पर यह माइंड की लाइन मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आगे चेक करते हैं फेट की लाइन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेट की लाइन बेस से चलती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी और लंबी लाइन लगभग सैटर्न तक पहुँचती हुई, तो बीच में कुछ प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 35 के आसपास की एज में थोड़ी सी वीकनेस है, यहाँ कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन आगे की लाइन अच्छी दिखाई दे रही है, तो काफ़ी अच्छी इनकम इनके पास रहने वाली है। तो इनकम के मामले में तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, काफ़ी अच्छी इनकम रहेगी। फेट की लाइन है, साथ ही साथ कुछ पार्शियल मरकरी लाइन भी है और स्ट्रेट माइंड की लाइन है, जो व्यक्ति को अमीर बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करती है। तो सीधी लाइन होना, स्ट्रांग माइंड वाला व्यक्ति ही पैसा बना सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनकी लाइफ की लाइन है, लाइफ की लाइन काफ़ी बड़ा वीनस का एरिया कवर करे, यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत बाहर की तरफ चलती हुई, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। नॉर्मली जो लाइफ की लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक चलती हो रही होती है, अंदर का एरिया, लेकिन वीनस का काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना भी अपने आप में एक खास चीज़ है। एक तो वीनस माउंट को अच्छी स्पेस मिलती है, हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलती हैं वीनस को बड़ी स्पेस मिलने की वजह से, लेकिन दूसरी चीज़ जिसकी नेगेटिव चीज़ यह है कि हार्ट की माइंड की लाइन लाइफ की लाइन जो है वो अगर दूर हो जाती है वीनस से, तो घर से दूर रहने के चांसेस बनते हैं। जितनी क्लोज रहती है
उतना व्यक्ति अपनी फैमिली के नज़दीक रहता है, अपने पेरेंट्स के पास और बर्थ प्लेस के पास रहता है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो घर से दूर सेटल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इनकी लाइफ में भी हो सकता है। मून माउंट यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है। मून माउंट से कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलती हुई भी दिखाई दे रही हैं, ट्रैवलिंग को शो करती हैं, तो ट्रैवलिंग का भी इनको शौक रहेगा। साइट सीइंग के लिए ये विदेश ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज कुछ हद तक ट्रैवलिंग वर्क यानी जॉब के पर्पस से भी इनको करनी पड़ सकती है, तो ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगी। वीनस माउंट पे काफ़ी अच्छी खड़ी रेखा का होना भी अच्छा है। मान सम्मान मिलता है समाज से इस तरह की लाइन का होने से। तो लगभग यहाँ पर सारे के सारे चिन्ह जो मुझे इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे के सारे जो चिन्ह हैं वह एक ही वीडियो में उनको एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आपको कोई और चिन्ह दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पर रिवर्ट बैक करें जहां मैं लिंक सेंड कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा यह चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।